साधन नमस्कार। मिशन शिक्षण संवाद के दर्पण समाचार में प्रस्तुत हैं इस सप्ताह की कुछ महत्वपूर्ण शैक्षिक खबरें। जनपद आगरा ब्लॉक अकोला के प्राथमिक विद्यालय खेड़िया प्रथम में विद्यालय के सभी शिक्षक व प्रधानाध्यापिका पूजा शर्मा के सहयोग से छात्रों को ताजमहल तथा म्यूजियम का शैक्षिक भ्रमण कराया गया। जनपद कन्नौज के उच्च प्राथमिक विद्यालय ठठिया की छात्रा दीति ने विद्या ज्ञान परीक्षा में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कन्नौज ने छात्रा को घर जाकर सम्मानित किया और माता पिता को बधाई दी। साथ ही ग्राम प्रधान को विद्यालय का कायाकल्प अति शीघ्र करने को कहा ताकि विद्यालय में बच्चों को और अच्छा शैक्षिक परिवेश मिले। HCL फाउंडेशन के तत्वाधान में नोएडा के शिवनाडर विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स फॉर चेंज राज्य चैंपियनशिप में जनपद हरदोई ब्लॉक माधोगंज के उच्च प्राथमिक विद्यालय इसरापुर की बालिका टीम ने टच रग्बी में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में नोएडा के साथ मुकाबले के बाद टीम विजेता रही। बॉल थ्रो में साधना को मिला गोल्ड मेडल। उत्तराखंड में राज्य स्तरीय शैक्षिक उन्नयन संगोष्ठी तथा छात्र एवं शिक्षक सम्मान समारोह 2022 का आयोजन दिनांक 28 जून 2022 को संपन्न हुआ। कार्यशाला का शुभारंभ श्री बंशीधर तिवारी जी, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड एवं प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रतूड़ा उत्तराखंड श्री विनोद प्रसाद सिमल्टी जी द्वारा सरस्वती माता को माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन कर किया गया। श्री कमल सिंह बिष्ट, संयोजक मिशन शिक्षण संवाद जनपद रुद्रप्रयाग ने सभी गणमान्य अतिथियों, शिक्षकों एवं प्रतिभागियों का स्वागत व अभिनंदन किया तथा मिशन के कार्यों को सभी अतिथियों के समक्ष प्रस्तुत किया। इस अवसर पर अच्छे शैक्षिक प्रयास करने वाले शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। जनपद मैनपुरी के पूर्व माध्यमिक विद्यालय गणेशपुर की शिक्षिका नेहा हजेला के नेतृत्व में पर्यावरण मित्र टीम के सदस्यों ने घर घर जाकर लोगों को प्लास्टिक का प्रयोग न करने की अपील की। विद्यार्थियों ने हाथों में पट्टिकाएँ, कपड़े, जूट व कागज की थैली के प्रयोग के लिए नारे लगाए। जनपद संभल के दयानंद उच्च प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट नगर क्षेत्र चंदौसी द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव पर सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध हेतु बच्चों द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका डॉक्टर दुर्गा टंडन ने बच्चों को प्लास्टिक उन्मुक्त हमारा शहर हो शपथ ग्रहण कराई। इस जन जागरूकता कार्यक्रम में नगर पालिका चेयरमैन श्रीमती इंदू रानी जी, ईओ श्री राजकुमार जी, जेई श्री के अग्रवाल जी, वार्ड मेंबर श्री तरुण नीरज जी, लाला लाजपत राय विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री अभिषेक कुमार गुप्ता जी आदि शामिल रहे। पढ़े संभल बढ़े संभल के अंतर्गत कंपोजिट विद्यालय आटा में स्कूल चलो अभियान के द्वितीय चरण के अंतर्गत प्रधानाध्यापिका श्रीमती चैनिका के निर्देशन में छात्रों ने भारत के नक्शे की तर्ज पर मानव श्रृंखला बनाकर रोज स्कूल न आने वाले छात्रों को नियमित स्कूल आने के लिए प्रेरित किया। जनपद कन्नौज के प्राथमिक विद्यालय महसानापुर के प्रधानाध्यापक वैभव राजपूत की मेहनत की वजह से उनका विद्यालय अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय को कड़ी टक्कर दे रहा है। वैभव राजपूत जी ने स्टाफ से मिलकर स्कूल का कायाकल्प करने के साथ बेहतर शैक्षणिक गतिविधियों एवं उत्कृष्ट शिक्षण द्वारा समुदाय का विश्वास हासिल किया। मिशन शिक्षण संवाद के महत्वपूर्ण कार्यक्रम शक्ति संवाद के 44वें एपिसोड में कार्यक्रम की प्रेरणा स्रोत रही श्रीमती प्रियंका शिवहरी जी, जो कि वर्तमान में कृषि विभाग में तकनीकी सहायक के पद पर कार्यरत हैं। श्रीमती प्रियंका शिवहरी ने बताया कि हम लक्ष्य को प्राप्त करने में शिक्षक और माता पिता की अहम भूमिका होती है। उन्होंने ये भी कहा कि संघर्ष के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। कार्यक्रम की दूसरी शक्ति स्वरूपा श्रीमती अपूर्वा चौधरी रहीं, जो उच्च प्राथमिक विद्यालय जलालपुर हसना बिजनौरपुर में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। श्रीमती अपूर्वा चौधरी ने विद्यालय में बच्चों के ठहराव के लिए नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया, जो बच्चों के आकर्षण का केंद्र रहा। कार्यक्रम के अंत में दोनों महिलाओं ने मिशन शिक्षण संवाद का धन्यवाद किया। कार्यक्रम की संचालिका डॉक्टर मनुजा द्विवेदी तथा संयोजिका श्रीमती सरिता राय रहीं। इस सप्ताह इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह फिर कुछ सकारात्मक खबरों के साथ। आपका दिन शुभ हो।